गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, आपके जो सोशल साइंस में चार पार्ट हैं, सो इसमें फर्स्ट इज ज्योग्राफी, सेकंड हिस्ट्री, सिविक्स, देन इकोनॉमिक्स। तो हम लोग आज जो पार्ट पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का, ठीक है। तो देखते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। कोई मेरे को बता सकता है रिसोर्सेज क्या होते हैं? हाँ, जस्ट आप इसको इंग्लिश को हिंदी में एक्सप्लेन करें कि रिसोर्सेज होता है क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस क्लास में क्या क्या रिसोर्सेज दिख रहा है आपको? लाइट, अच्छा, वुड और बॉटल, अच्छा बॉटल है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज है। ये रिसोर्सेज आपके लिए हैं या सबके लिए हैं? रिसोर्सेज सबके लिए। सपोज ये झाड़ू स्वीपर आया है रूम साफ करने के लिए आया, और उसके लिए क्या है रिसोर्सेज है ब्लैक बोर्ड? कोई क्लीनिंग वाला आया साफ करने के लिए इस क्लास को, क्या उसके लिए ब्लैक बोर्ड रिसोर्सेज है? क्यों क्यों नहीं है? उसकी यूज़ अलग है। अच्छा बताएं क्यों नहीं है उसके? तुम्हारे लिए वो रिसोर्सेज है, मेरे को भी वो रिसोर्सेज है। मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा हूँ यहाँ, मैं आपको टीच कर रहा, और आपके लिए इसलिए क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो दोनों के लिए रिसोर्सेज हुआ। बट अगर कोई स्वीपर आया कोई इस रूम को क्लास को साफ करने के लिए, तो उसको रिसोर्सेज होगा क्या? क्यों इसलिए नहीं होगा? उसके कोई मतलब भी नहीं, उसका कुछ होने वाला है क्या इससे? उसका कोई यूटिलाइज नहीं है, वो पढ़ने के लिए थोड़ा क्या है, उसके लिए ये डस्टबिन है, बेकार है, फालतू है, स्टफ़ है। समझ में आया? हाँ, तो हम रिसोर्सेज का समझते हैं। और भी ढेर सारे एग्जांपल और बताएं रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे आयरन, देखा है सोना, चांदी, मिनरल्स एंड सो मैनी थिंग्स ना। अब रिसोर्सेज तो हर जगह पाए जाते हैं ना, तो अब रिसोर्सेज बोलेंगे कि नहीं वो जरा आप देखें। रिसोर्सेज है इस यूनिवर्स में, मतलब जो तुमको दिखता है और तुम्हारे मतलब का है वो सब कुछ क्या है? रिसोर्सेज है। और अगर मैं इसको आपके बुके लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहूँ, तो मैं बोल सकता हूँ एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूटिलाइज टू सेटिस्फाई अवर नीड, इट इज प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकल एक्सेसिबल एंड थर्ड वन इज कल्चरली एक्सेसिबल। समझ रहे हैं? इसका मीन क्या है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, इस एनवायरमेंट में जो कुछ भी तुमको दिख रहा है, ठीक है ना, वो सब कुछ क्या है? रिसोर्सेज। कौन? जो हमारी जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। विच कैन यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड, मतलब हमारी जरूरतों के लिए, जरूरत होनी चाहिए तब तो ठीक है। सपोज मैं एक मैं क्या बोलूँ, सपोज एक यहाँ पे एक फटा हुए शूज पड़ा है, फटा हुए क्या पड़ा है? शूज, मैंने उसको रिजेक्ट करके फेंक दिया, ठीक है, उसका फीतक सब कुछ खराब हुआ है, क्या वो रिसोर्सेज है आपके लिए? क्यों नहीं है वो रिसोर्सेज या मेरे लिए? क्योंकि अब मैं पहन नहीं सकता, बेकार हो चुका, उसका सोल बेकार हो गया ना। अगर मैं एक नया शूज लाऊं और रख दूं, तो वो आपके लिए भी रिसोर्सेज हो सकता है कि चलो सर ने नहीं पहना, मैं इसको यूज़ कर लेता हूं, ठीक है, मेरे पास नहीं है, मैं इसको यूज़ कर ले, वो रिसोर्सेज है, अदरवाइज वो रिसोर्स। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं जस्ट अभी बात करूँ, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, अभी बहुत सारा लोग मास्क लगा के चल रहा है कि नहीं, कि नहीं चल रहा है? पहले आपने देखा होगा मूवियों में आता था, जब आदमी डॉक्टर जब कभी भी ऑपरेशन थिएटर में जाते थे, ऑपरेशन करते तभी वो मास्क पहनते थे, होता था ना मूवियों में देखते, तभी आप उनको दिखता था मास्क पहने, अदरवाइज नहीं। या कोई लैब में कोई टेस्टिंग कर रहा है, देन वो उसको ही रखते थे अपने पास, या कहीं खाना पीना जहाँ बनता है वहाँ वो यूज़ करते थे। लेकिन आज आपने देखा सारा बंदा क्या मास्क लगा के चला है, क्यों? अब वो मेरी नीड है, अब वो मेरी क्या है, अगर वो नहीं करूँगा तो मैं भी कोरोना से शिकार हो जाऊँगा, मेरे को भी कोरोना हो सकता है, तो इसलिए अब वो मेरी नीड होगी। पहले वो नीड स्पेसिफिक लोगों की थी, डॉक्टर की, या ये पर्टिकुलर जो खाना बनाते थे कुक वगैरह रहते थे, उनकी नीड थी, लेकिन आज वो सबकी नीड है, ठीक है ना। यही उसने बोला, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज
प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल. इसका मतलब है कि सपोज टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल क्या है कि कोई टेक्निक है जिसके थ्रू हम उसको पा सकते हैं, ठीक है ना. और सेकेंड वर्ड इज इकोनॉमिकल एक्सेसिबल. इसका मतलब होता है कि उसको पाने के लिए मेरे को वो इकोनॉमिक मीन्स मेरे बजट के अंदर है या नहीं है. एक मैं एग्जाम्पल से तीनों पॉइंट आपको डिटेल में समझाऊंगा. और कल्चरली एक्सेसिबल है कि वो मेरे आसपास समाज में उसको लोग एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा. दिस इज कल्चरली एक्सेसिबल, ठीक है. सपोज मैं एक एग्जाम्पल के बेसिस पे आप तीनों पॉइंट समझ जाएंगे. आप जानते हैं कि जितने भी मिनरल्स होते हैं या जो भी लोहा तांबा जो भी माइनिंग से आप निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं आप माइनिंग में, ओर वगैरह निकालते हैं, मिनरल निकालते हैं ना नीचे ज़मीन से. आफ्टर माइनिंग के बाद टू मच प्रोसेसिंग होती है, देन यू गॉट सम मेटल एंड नॉन मेटल एंड डिफरेंट ओर्स आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. और उसको बोलते हैं आप रिसोर्सेज, बोलते हैं रिसोर्सेज के नहीं, और कैटेगराइज भी करते हैं डिफरेंट. तो आप किसको देखो, सपोज एक माइनिंग हुआ, सपोज आपके गांव में लोगों को पता लगे सोने की खान है. लोगों को क्या पता, आपके समझ में सोना बहुत महंगा होता है, हीरा से हीरे के बाद सोना और देन चांदी ना, ऐसा होता है ना. जो मेटल और नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं तो बहुत महंगा होता है. मतलब इसकी माइनिंग स्टार्ट हुआ, आपको पता लगा कि आपके खेत में क्या है, सोना है, ठीक है. तो सबसे पहला बार आप सोना है तो उसको आप माइनिंग करोगे, उसकी खुदाई करोगे, देन आप उसको निकालोगे, क्या और कुछ करोगे, यही करोगे खुदाई. खुदाई करने के बाद क्या करोगे, खुदाई करते ये भी देखोगे कि जो मैं खुदाई कर रहा हूँ, पता चला वहाँ एक किलो सोना निकला, कितना किलो, 1 kg. उसका कॉस्ट सपोज 20 लाख रुपये, सपोज 20 लाख रुपये. बट आपका माइनिंग का कॉस्ट, आपका माइनिंग का कॉस्ट है 30 लाख या 20 लाख या 25 लाख या 15 लाख, ठीक है, या 22, कुछ भी, मतलब मोर देन 20 लाख. मतलब जितना कॉस्ट, जितने का वो मतलब आपने गोल्ड नहीं पाया उतना आपने इन्वेस्ट कर दिया, मोर देन ना. सपोज 20 लाख का गोल्ड निकला और आपने माइनिंग में कितना खर्च कर दिया, 20 and 21, ठीक है, ठीक है, टोटल जो कॉस्ट हुआ. तो इकोनॉमी और थर्ड वन, तो क्या आपके लिए वो जो माइनिंग करना आपके लिए वो प्रॉफिटेबल है क्या, क्यों नहीं है, ठीक है, नीचे सोना है, हाँ उससे ज़्यादा इन्वेस्ट हो गए. तो टेक्नोलॉजिकली तो एक्सेसिबल है, मतलब आप निकाल तो सकते हैं, आप निकाल तो सकते हैं, बट इकोनॉमिकल एक्सेसिबल नहीं है, मेरा बजट नहीं दे रहा कम. अगर मैं जितना निकाला उतना लगा दिया तो मैंने क्या पाया, कुछ नहीं. थर्ड वन इज अ कल्चरली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेसिबल. सपोज आपके वहाँ जो खेत है जहाँ सोना मिला, अब खेत की जगह एक मंदिर के नीचे सोना मिल रहा है, किसके नीचे, एक मंदिर, मंदिर के नीचे सोना, ठीक है. और लोगों ने बताया, कई सारा तांत्रिक आया, बोला कि यहाँ सोना है, आप उसमें डिगिंग करने लगे, माइनिंग करने लगे एंड सोन. क्या समाज आपको परमिशन देगा मंदिर को तोड़ के या मस्जिद को तोड़ के आप उसमें से डिगिंग माइनिंग करें, अच्छा आप ऐसा करेंगे तो आप पे लोग अटैक कर देगा. तो कल्चरली एक्सेसिबल होना चाहिए, मींस आप जो माइनिंग कर रहे हैं उससे लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. देन आप बोलेंगे कि वो रिसोर्सेस है, देन आप बोलेंगे रिसोर्सेस है, मींस सबसे पहले तो वो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, मींस आपके पास ऐसी टेक्निक होना चाहिए ऐसी जिसके थ्रू आप उसको मतलब पा सकें, ठीक है, प्रोड्यूस कर सकें. और अगर टेक्नोलॉजिकली आप सेटिस्फाई हो गए तो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली मेरे बजट है उसके अंदर कि नहीं. अगर आपको बजट भी बोल रहा है टेक्नोलॉजिकली भी है, तो थर्ड आप पॉइंट पाएंगे कल्चरली. कल्चरली मतलब समाज को तो दिक्कत नहीं है आपसे, समाज तो नहीं बनना पता, कोई बोलेगा नहीं मेरा मंदिर हो गया. सपोज आप मुस्लिम हैं और आपने हिंदू मंदिर के नीचे आप माइनिंग करने लगे तो लोग आपके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है. या आप मुस्लिम हैं और आप उसके, या आप हिंदू हैं और मस्जिद के नीचे से निकालने लगे तो लोग आपको जीने नहीं देंगे, समाज वाले भी और दूसरे समाज वाले भी नहीं है. तो ये तीनों पॉइंट अगर इस पैरामीटर को सेटिस्फाई करता है तभी वो रिसोर्सेस है, ठीक है. तो आप देखें, सपोज मंदिर के नीचे जो सोना था, सोना तब भी है, वो आज भी सोना है, लेकिन
वो कल्चरली एक्सेसिबल नहीं है, इसीलिए वो आपके लिए रिसोर्स नहीं रहा है। क्या सोना है लेकिन मेरे लिए नहीं। सपोज मैं खाने का था, आपको बहुत भूख लगा, मैं सुबह से बढ़ाया आपको, ठीक है, मैं खाने का बहुत अच्छा अच्छा आपने बोला मैं पनीर खाऊंगा, मैं दाल मखनी खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, रसगुल्ले, मैंने सब रख दिया, उसको एक पिंजड़े के अंदर रख दिया और ताला बंद करके चाबी मैंने अपने पास रख ली, ताला बंद करके, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये खाना है, क्या तुम देखते देखते क्या तुम्हारा पेट भरेगा? क्यों? एक्सेसिबल थोड़ा हो रहा है तुमको, टेक्नोलॉजी के ताला की चाबी मिलेगा तभी तो तुम थाली निकालेगा खाएगा, तो टेक्नोलॉजिकली नहीं है, कोई दिक्कत सबूत। सर अभी कोरोना के चलते सब कुछ बंद पड़ा है, ठीक है, और आपको जाना है यहाँ से मुंबई ना, और सब कुछ एवरीथिंग इज क्लोज डाउन, आपने एक पर्टिकुलर फ्लाइट बुक कराया, आपको शूज लेने जाना था, और पता चला आपने 20 लाख रुपए आपने ट्रांसपोर्टेशन में कर दिए आने जाने के खर्च, और आपने 2000 रुपए के शूज खरीदे या 3000 के, तो क्या इकोनॉमिकली एक्सेसिबल है? नहीं। क्यों? अरे शूज से ज़्यादा तो किराया लग गया और बीमारी अलग से मेरे को हो जाएगी, और हो सकता है कि मैं जीऊँ या ना जीऊँ ये तो मेरे को पता भी नहीं, तब भी ये इकोनॉमिकली एक्सेसिबल है। और मैं कल्चरली आपको पता चलेगा, सब मंदिर और मस्जिद के नीचे अगर मिल भी गया तब भी वो आपके लिए रिसोर्सेस नहीं। तो रिसोर्स जूता अगर सोना मंदिर के नीचे तब भी वो रिसोर्सेस है लेकिन आपके लिए नहीं है। इकोनॉमिकल आप शूज खरीदने मुंबई गए थे फ्लाइट से, आपके लिए नहीं है वो, शूज तो रिसोर्सेज है लेकिन आपके लिए नहीं है। और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, मैंने आपको बताया, क्या बताया था? हाँ थाली रखा है मैंने बंद पिंजड़े के अंदर रख दिया, ठीक है, केस के अंदर रख दिया, आपके लिए तो कोई मतलब का नहीं है, रिसोर्सेज है, खाना है, सब कुछ है, अगर आप निकालेगा खा लेगा। तो कई बार ऐसा होगा आपके सामने पड़ा होगा लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, तो रिसोर्सेज नहीं है। तो मैंने आपको एक कंबाइंड एग्जांपल दिया माइनिंग वाला, और मैंने सेपरेट सेपरेट एग्जांपल भी आपको तीनों दिए कि टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल एंड कल्चरली एक्सेसिबल का मीन क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा अगर ये रिसोर्सेज आपको समझ में आ गया तो देखो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, सपोज ये मार्कर है, ये मेरे लिए रिसोर्सेज है, मेरे लिए क्या ये आपके लिए रिसोर्सेज है? नहीं। क्यों नहीं है? क्या आप इसको कॉपी पे लिखेगा? नहीं, आप पेंसिल लिखेगा। तो ये मेरे लिए रिसोर्सेज है, टीचर मैं मास्टर हूँ मेरे लिए है, बट आपके लिए नहीं। समझ में आया? ठीक है। और अगर मैं सपोज ये स्वीपर या सफाई करने वाला है उसके लिए भी रिसोर्सेज नहीं। हाँ बोल सकते हैं मेरे लिए, मैं इसको ले जाएगा अपने घर पर, रूम नंबर 1 2 3 दीवारों पर लिखेगा, लेकिन लिखेगा तो तुरंत खराब हो जाएगा ना, उसके लिए रिसोर्सेज नहीं। सिर्फ जब मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगा पढ़ूंगा तभी मेरे लिए रिसोर्सेज होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें आप घर जाएं, आप कैटेगराइज करें कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ आपके लिए रिसोर्सेज है, कौन आप माँ बाप के लिए, कौन आपके दादा दादी के लिए रिसोर्सेज है, और इसके बाद आप इन्वायरमेंट में देख सकते हैं, आपको इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें दिखेंगी लगभग वो सब कुछ क्या होंगे, रिसोर्सेज। आप जहाँ बाहर, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एयर हो, वाटर हो, सन रे हो, सब कुछ रिसोर्सेज हैं, विदाउट उसके आप जी ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप कैटेगराइज करें कम से कम 20-50 एग्जाम्पल, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने के बाद, ठीक है। अगर आप ये रिसोर्सेज की डेफिनेशन समझ गए तो रिसोर्स को उसने क्लासीफाई भी किया, ठीक है, उसने चार तरीके से क्लासीफाई किया, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के पहले अब मैं बताता हूँ कि ये मेरे को आपके बुक में एक फिगर है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे मतलब रिसोर्सेज बनते हैं, ठीक है ना। ये देखें रिसोर्सेज की कैसे रिलेशनशिप है, किस किस के बीच में, इन्वायरमेंट के, इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बीइंग के बीच में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग बाय हेल्प ऑफ ह्यूमन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग बाय हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी टू सेटअप इंस्टीट्यूट, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स बाय ह्यूमन बीइंग थ्रू नेचर बाय टेक्नोलॉजी टू सेटअप इंस्टीट्यूट, मतलब समझ में आया कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन से बदलाव ना, हाँ ट्रांसफॉर्म कर दिया एक चीज़ से दूसरे चीज़ में, उसको ढाल दिया,
transformation of thing by human being through nature by help of technology to set up institute. ठीक है ना, then you got the resources. समझ में आया कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है? समझ में आया, ह्यूमन बीइंग किससे इंटरेक्ट करता है? नेचर से. जब वो नेचर से इंटरेक्ट करेगा तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा तो अगर उससे कुछ जो भी जो थिंग उसने उसको डिफरेंट फॉर्म में वो कन्वर्ट करेगा, हो सकता है वो आपके लिए रिसोर्सेज हो जाए. देन टू सेटअप इंस्टीट्यूट देन रिसोर्सेज. सपोज देखें इधर, सपोज आपको मैंने शूज़ बनाए, सपोज मैं शूज, वो रिसोर्सेज है आपके लिए. क्यों? चलने के काम आएगा, रनिंग के काम आएगा, अब कभी आप घूमने फिरने जाएगा तब भी आपके काम आएगा. कैसे? सपोज ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, उसने किसके साथ इंटरेक्ट किया? नेचर से. सपोज मैं लेदर के जूते पहनूँ, लेदर का शूज पहनूँ ना, तो लेदर कहाँ से पाया जाता है? एनिमल से. तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट किया नेचर से, उसने किसी भी एनिमल से उसने उसका चमड़ा निकाला, लेदर निकाला, देन टेक्नोलॉजी के यूज़ किया. निकालने की कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी होगी कि ऐसी? उसने, हो सकता है उसने देसी औजार या उसने कुछ मतलब मशीनरीज का यूज़ किया होगा, देन टेक्नोलॉजी के यूज़. अगर वो डायरेक्ट ले आएगा तो बहुत बदबू करेगा जानवर को मार के, तुम कर सकता है क्या उसकी चमड़ी को निकाल? तो उसने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया होगा, उसको क्लीनिंग बहुत सारी फिनिशिंग किया होगा, देन उसको हम चमड़े का जूता. वरना कितना गंदा रहा ये जो मैं शूज़ पहनाऊँ, ये किसका है? लेदर का है. और लेदर आप समझते हैं क्या है? जो जानवर होता है उसकी चमड़ी, ठीक है ना. और बेटा ये टेक्नोलॉजी के यूज़ किया होगा और टेक्नोलॉजी उसकी वो लेदर लाया होगा, देन उसने एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया होगा जहाँ कई सारी मशीनरी होंगी, जहाँ उस शूज़ को डिज़ाइन किया होगा, तभी तो वो आपके मतलब क्या हुआ? देन वो रिसोर्सेज, देन वो. समझ में आया कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग हो रहा है? किसके थ्रू हो रहा है? ह्यूमन के बींग, ह्यूमन बींग के थ्रू हो रहा है कि नहीं? किसी और के चलते हो रहा है कि और के चलते तो नहीं हो रहा ना? तो ह्यूमन बींग इज़ अ कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना. तो जो बंदा है, जैसे मैंने नेचर के साथ इंटरेक्ट किया, देन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, देन मैंने इंस्टीट्यूट को सेटअप किया, देन रिसोर्सेज, यू गॉट द सोर्स. समझ में आ गया, ठीक है. अब अगर ये तो पूरा इस फिगर को आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, अगर ये आ गया, अब आप क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे. तो कैसे क्लासीफाई किया उसने? चार कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति, स्टार्टिंग, कहाँ से वो मतलब इनिशिएट हुआ गए, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन में दो टाइप का, उसमें एक बायोटिक होगा और सेकेंड अबायोटिक होगा. कोई मेरे को बायोटिक बता सकता है कि बायोटिक किसको बोलते हैं आप? बायोटिक आज तक आपने पढ़ा, बायोटिक रिसोर्स, लिविंग थिंग, सपोज एनिमल, प्लांट, दीज आर बायोटिक. क्या होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज? द बायो रिसोर्सेज विच ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर इज नोन एज बायोटिक. जो बायोस्फीयर से आप ऑब्टेन करते हैं उसी को बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज. और अबायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक ये लिविंग थिंग है और वो क्या हो जाएंगी? नॉन लिविंग थिंग. जैसे कोई एग्जाम्पल बता सकता है? नहीं, नॉन लिविंग थिंग. और ये सॉरी अबायोटिक, अबायोटिक को बता, एयर है, वाटर है, ये सब क्या है? अबायोटिक. तो अबायोटिक की आप डेफिनेशन बता सकते हैं? विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग, कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग. कंपोज्ड समझते हैं? मिले हुए उसी को बोलते हैं आप अबायोटिक. समझ में? अभी मैं आपको बुक पढ़ाऊंगा तब सब कुछ जस्ट एक्सप्लेन. बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, हाँ खत्म. एग्जॉस्ट मीन्स खत्म, बर्बाद. कौन कितने जल्दी खत्म होने, एग्जॉस्टिबिलिटी. उसमें दो टाइप की कैटेगराइज, फर्स्ट इज द रिन्यूएबल एंड सेकेंड इज नॉन. ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं. रिन्यूएबल मीन्स अगेन एंड अगेन आप उसको रिन्यू कर सकें, तैयार कर सकें. और नॉन रिन्यूएबल, एक बार जो एग्जॉस्ट हो गया मीन्स खत्म हो गया वो वापस है. तो रिन्यूएबल क्या? सपोज वुड और
water, air, these are sunlight, renewable. आप अगेन एंड अगेन पा सकते हैं ना नेचर से. और अगर नॉन लिविंग की बात करता हूँ तो क्या पेट्रोलियम, कोयल, हाँ ठीक है, ये भी नेचर से मिलता है लेकिन इसमें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, मिलियन हाँ फॉर्मेशन में. ये भी नेचर से ही मिलता है, कोयला, पेट्रोलियम सब कुछ आता है, कोल, पेट्रोलियम सब नेचर से, बट इसमें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं कई सारे बर्ड्स ना. ये भी नेचर लेकिन इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, टेन्योर टू मच लाल, ठीक है, इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल, बहुत जल्दी मिल जाता है. सपोज आज संडे आई नहीं आई, कल आ जाएगी, परसों नहीं आएगी, तुरंत के तो हो सकता है विद इन 5 मिनट में आए जाए, ऐसा भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना. देन रिन्यूएबल मैं आपको भी बुक पढ़ाऊंगा तो सब डिटेल में डेफिनेशन और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप भी इसको सब कैटेगराइज किया उसने चार तरीके से. ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, वो पब्लिक हो सकता है, वो नेशनल हो सकता है, और वो इंटरनेशनल ओनरशिप हो सकता है. पब्लिक ओनरशिप मींस हम खुद उसके मालिक हैं, पब्लिक ओनरशिप हम खुद. सपोज मेरा ये मकान है, मेरा ये कोचिंग है, मकान भी इसी में, तो मैं इसका मालिक खुद हूँ, ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है. सपोज आपका एक खेत होगा, आपके चाचा का अलग खेत होगा, आपके बाबा का अलग खेत होगा, तो आपके पिताजी उसके खुद मालिक होंगे, वो क्या है, पब्लिक ओनरशिप नहीं, इंडिविजुअल, ठीक है, पब्लिक नहीं, इंडिविजुअल. आपके पिताजी खुद है ना मालिक, इसके मैं खुद हूँ ना इस बिल्डिंग का मालिक, दिस इज इंडिविजुअल ओनरशिप, ठीक है ना. अगर सेकंड इसमें सब कैटेगराइज करें ओनरशिप में, पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप, सपोज सपोज मंदिर, मंदिर क्या किसी एक का है, सारा गांव जाता है पूजा करता है, तो वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी क्या हुई. हाँ अगर मैं मंदिर का बात करूँ, सपोज आपके इस मेरे ये सामने जो पार्क है, इस कोचिंग के सामने ये पार्क क्या मेरा खुद का है, क्या किसका है, इस पूरी कॉलोनी का है. अगर ये पूरी कॉलोनी का है तो ये पब्लिक यूज़ के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, पब्लिक ओनरशिप. मैं एक इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं है मेरे पास, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है. एंड थर्ड वन इज अ नेशनल ओनरशिप. नेशनल ओनरशिप में क्या होता है, उसमें ना एक पब्लिक मतलब 2-4-10 लोगों का ग्रुप नहीं होता है, ना इंडिविजुअल होता है, उसको पूरा नेशन मीन्स भारत देश, इस देश का. सपोज कोई एग्जाम्पल बता सकते, सपोज रोड्स, रोड्स है ना, सड़क है, रेल है, इस पर किस चीज़ का, इस पर कंट्रोलिंग किसकी है, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की क्या नहीं है कि नहीं. सड़क है पूरा, उस पर कोई एक जाति समुदाय या कोई लोगों का एक समूह है, ग्रुप है, उसका नहीं है कंट्रोल, समझ रहे, किसका है, पूरे देश का है, हर कोई उसका हकदार है, ठीक है. तो कई कई बार ऐसा हो जाता है जो नेशनल ओनरशिप होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि बेटा जैसे सपोज सड़क डली यहाँ पे और बीच में आपका खेत आने वाला है, मैंने बोला कि एक नई रिंग रोड डलेगा यहाँ पे और आपके बीच में खेत आ रहा है, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो आपसे आपसे बोल देगा ये खेत आप खाली करके चले जाएँ क्योंकि मेरे को सड़क डाली, तो आपसे वो इंटरेक्ट कर सकती है और आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको खेती छोड़नी पड़ेगी, समझ में आया. तो जब कभी नेशनल ओनरशिप की बात होती है तो गवर्नमेंट, अगर आप खुद के भी ओनरशिप हैं तो वो आपको कब्जा हटा सकती है आपका, और क्यों, वो कहेगी ये नेशनल प्रॉपर्टी होगी, इसमें सब लोग इसका हकदार होगा, इसलिए आप या तो आप पैसे ले लें इस खेत को खाली कर दें, या आप, मैं दूसरी जगह आपको इतना लैंड दे रहा हूँ आप वहाँ पे इसको यूटिलाइज. सपोज कैनाल ना आपके खेत से वो गुजर के जा रही, अगर उसका डायरेक्शन आपके खेत में आ रहा है तो आपको खेत खाली करना ही पड़ेगा, या आप बोले नहीं हम मार जाएंगे, हम नहीं करने देंगे, कुछ नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये कुछ नहीं चलेगा. आपसे वो बोलेगा कि आया तो आप पैसे लें, पैसे नहीं तो आप हाँ दूसरी जगह, आप उसमें कोई गवर्नमेंट कंप्रोमाइज, दिस इज अ नेशनल ओनरशिप. इसी तरह अगर मैं ओशन की बात करता हूँ, ओशन में बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, हाँ, तो अप टू ओशन, सपोज ये मैं इसको रब कर रहा हूँ, सपोज ये मैप है ना, ये ना, इस ये वॉटर है ना, वॉटर
ये रिसोर्सेज यहाँ जो पाए जाएंगे, ये इंडिया है ना, ये बाउंड्री इंडिया की है ना, तो इस बाउंड्री के किनारे ये ओशन है, जितना भी सी कोस्टल एरिया है इसमें जितने रिसोर्सेज हैं उन किसका अधिकार होगा? हाँ, नेशन का, और उस और लेकिन उसकी बाउंड्री है, यहाँ बाउंड्री होती है अप टू 12 माइल, अप टू कितना 12 नॉटिकल माइल, क्या हो गया ये माइल नहीं हुआ नॉटिकल, इस पे किसका अधिकार है? नेशन का। वन नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर हो? 1.9 किलोमीटर। एक नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर होता है? 1.9 मींस 12 नॉटिकल माइल्स तक के जो भी मिनरल्स पाए रिसोर्सेज होंगे उस पर किसका अधिकार होगा? इंडिया का, ठीक है। और ये नियर अबाउट आएगा 22.6 मतलब नियर अबाउट 23 किलोमीटर, किसका अधिकार है? इंडिया का। समझ में आया? फ्रॉम द कोस्टल लाइन, कोस्टल अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। अब बेटा इससे एक्सीड करेगा तो कुछ और होगा, वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ओशन में भी बताया और आपको मैंने जनरलाइज भी में भी बताया, मतलब ऑन सरफेस भी बताया। अब थर्ड मतलब लास्ट है इंटरनेशनल ओनरशिप। इंटरनेशनल ओनरशिप क्या होती है? उसमें किसी एक देश का ओनरशिप नहीं होता है, कोई देश उसका मालिक नहीं होता है। सपोज मैं ओशन की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ कि इसके बियॉन्ड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक किसका अधिकार है? इंडिया का। इसके बाद होगा उस पर किसका अधिकार होगा, ठीक है। दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बेटा ये 12 से 200 किलोमीटर है, 12 से 200 नॉटिकल माइल्स, क्या नॉटिकल माइल्स, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, लिख लें आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एंड दिस वन इज आउट ऑफ 200 नॉटिकल, दिस इज आउट ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स। इधर देखें बेटा, इधर देखें, ये अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, इस पर किसका अधिकार रहता है? इंडिया का। अब 12 से 200 इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना। और इसके बियॉन्ड आउट ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स होगा, दिस इज इंटरनेशनल जोन, दिस इज इंटरनेशनल, इसमें किसी एक देश का अधिकार नहीं होगा। अगर आपको यहाँ से मिनरल्स लेने हैं, कुछ भी लेना है, तो किसकी परमिशन लेने होंगी? इंटरनेशनल परमिशन लेनी होगी। किसकी परमिशन लेनी होगी? आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की परमिशन लेनी होगी कि वहाँ से मैं मिनरल्स ले पाऊँगा या नहीं। समझ में आया क्या? अब आउट ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो अब बस आपको यही ध्यान रखना है कि वन नॉटिकल माइल इक्वल टू कितने किलोमीटर होता है? 1.9 किलोमीटर, ठीक है। और क्या? और ये जो 12 से 200 है इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन राइट्स, ठीक है। और आउट ऑफ 200 इज दिस वन इज अ इंटरनेशनल इकोनॉमिक। इधर लास्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसको भी उसने सब कैटेगराइज किया चार तरीके से। सर फर्स्ट वन पोटेंशियल, फर्स्ट वन उसने कैसे किया? पोटेंशियल। एंड सेकंड वन उसने डेवलप रिसोर्सेज। एंड थर्ड वन उसने बोला उसका स्टॉक। एंड फोर्थ वन इज अ रिसोर्सेज। तो कितने तरीके से उसने कैटेगराइज किया? पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड स्टॉक एंड फोर्थ वन इज अ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ये दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थर्ड वन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं अगले टॉपिक में बहुत क्लियर आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, ऑन द बेसिस कैटेगरी डेवलपमेंट में क्या होगा, स्टॉक में क्या होगा और रिजर्व में क्या होगा, ठीक है। इसके चार पार्ट, ठीक है। तो अभी मैं तीन बहुत अच्छे से समझाया, इसको मैं इसको रब करने के बाद अच्छे से इसको एक्सप्लेन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। बेटा जो लास्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज,
on the basis of बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. इसको मैंने सब कैटेगराइज किया था चार पार्ट में. कौन कौन से रिसोर्सेज थे? सबसे पहला था पोटेंशियल रिसोर्सेज, सेकंड इज द डेवलप्ड रिसोर्सेज, एंड थर्ड वन इज द स्टॉक्ड रिसोर्सेज, एंड फोर्थ वन इज रिजर्व रिसोर्सेज. ना जरा इसको देखो, मैंने चार्ट की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके इसमें समझाने का प्रयास किया. जरा देखें बेटा पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं. कोई मेरे को बता सकता है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्स जल्दी से बताएं. जस्ट आप पोटेंशियल रिसोर्सेज छोड़ें, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज पोटेंशियल, आप पोटेंशियल बता सकते हैं क्या? यस सर, मतलब जो कितना स्टैमिना है सर, आपके पास कितना पोटेंशियल है, आप कितने घंटे मेरे को पढ़ा सकता है, यही है ना पोटेंशियल. सर क्या आप 10 घंटे मेरे को लगातार पढ़ा सकता है कि नहीं? This one is a potential. किसका? सर का. और आपका कितना पोटेंशियल है कि आप 15 घंटे सिटिंग कर सकते हैं मेरे सामने कि नहीं? This one your potential. समझ रहे? कितनी आपके पास क्षमता है ना, इसी को बोलते हैं ना अंदर दम है शरीर में, यही यहाँ पे भी सीखा. तो हम आपसे बोले कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, मतलब जो रिसोर्सेज है उनमें कितना दम है. जरा देखें ऑन द बेसिस, किसके बेसिस? अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. इसको भी मैंने कैटेगराइज को सब कैटेगराइज कर दिया. अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे विलिंगनेस टू यूज एंड आर वी एबल टू यूटिलाइज, एंड फोर्थ वन इज एग्जांपल मींस. इधर देखिए मैंने इसको चार्ट को समझने, जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है उसको मैंने क्या क्या वो टेक्नोलॉजी है उसकी अवेलेबल, उसको पाने का कोई टेक्नोलॉजी है, तो मैंने अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है उसको पाने के लिए. सेकेंड, क्या आपकी इच्छा है उसको यूज करने के, विलिंगनेस टू यूज, आप यूज करने का मन है आपका, दिस वन इज अ विलिंगनेस टू यूज, एंड थर्ड वन इज आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, क्या आप उसको आप समर्थ हैं यूटिलाइज करने में, यही है ना आर वी एबल टू यूटिलाइज, क्या आप कैपेबल हैं उसको यूज करने में. एक तो ये इच्छा, मेरी इच्छा है बट यूज करने का मन नहीं है, ठीक है. एवेलिंग मीन्स जैसे मैंने एक पिंजड़े के अंदर आपको थाली दी थी खाने की, दी थी क्या नहीं, तो थाली आपको मन तो है, भूख तो लगी, आप विलिंगनेस टू यूज, मतलब आपको मन तो हो रहा है कि मैं खाऊं, बट आप कैपेबल है क्या खाने के, क्या आप निकाल सकते हो उसको, दिस वन इज आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, एंड फोर्थ वन इज एग्जांपल, ठीक है. तो इसके बेसिस पे सबसे पहले मैं पोटेंशियल रिसोर्सेज को डिफाइन करूंगा. पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्सेज विच आर टेक्नोलॉजिकल, विच आर टेक्नोलॉजिकल अवेलेबल टू अस इज नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज. स्टिक का मतलब समझ गए? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्सेज विच आर टू अस, विच आर टेक्नोलॉजिकल अवेलेबल टू अस इज नोन एज पोटेंशियल. समझ में आया? मींस वो हमें टेक्नोलॉजिकली हम उसको पा सकते हैं, उसी को बोलते हैं आप पोटेंशियल, इसलिए इसको टिक. अगर विच आर नॉट टेक्नोलॉजिकल अवेलेबल टू अस, विच आर नॉट, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस. समझ में आ गया इस क्रॉस का मतलब? सेकंड, विलिंगनेस टू यूज. विलिंगनेस टू यूज क्या होता है, एक एग्जांपल के बेसिस पे मैं समझाना चाहूंगा. सोलर बाइंग, एक एग्जांपल लिखा उसको, सोलर और बाइंग. आपने देखा होगा अभी मैं ऊपर सोलर पैनल रखा हुआ है, देखा है आपने, और आप ये इलेक्ट्रिसिटी सोलर से चल रही है अभी दिन है कि नहीं चल रहा है? ये सोलर कब वर्कआउट करते हैं? जब एनर्जी तभी हो. इसी तरह बाइंड भी एनर्जी जनरेट करता है, आपने देखा हो. तो अगर मैं इंडिया के मैप ऐसे होता है, दिस ईस्ट पे ये अगर आप बेस्ट हट देखेंगे इंडिया में, या गुजरात है, गुजरात के पास राजस्थान है, वहां इनोरमस अमाउंट में क्या होता है, सोलर एनर्जी है और वाइंड एनर्जी. कहाँ? वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. वेस्टर्न पार्ट में कौन सा? राजस्थान एंड गुजरात, वहां सन रे डायरेक्ट अटैक होती है और उसके साथ साथ वाइंड एनर्जी भी भरपूर मात्रा में. बट हम यूज तो करना चाहते हैं, बट बिलिंग टू यूटिलाइज, ठीक है, यूज तो करना चाहते हैं, ठीक है ना, मेरा मन तो है उनको यूज, मतलब अगर सन रे पड़ेगी तो पैनल में जाएगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, देन में उसको यूज करें. और थर्ड वन है आर वी एबल टू यूटिलाइज, क्या मैं उसको यूटिलाइज कर पा रहा हूँ,
उसको मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा सेटअप है, जो गवर्नमेंट ने वो फोकस नहीं किया। तो हमारा मन तो है ब्लिंक, तो हम चाहते तो हैं कि हम वाइंड एनर्जी सोलर एनर्जी को यूज करें, बट आर वी एबल टू डू इट, बट मैं एबल नहीं हूँ उसको यूटिलाइज करने, कैपेबल नहीं हूँ। ठीक है, सो इसको जस्ट लाइक सोलर मीन्स आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जाएंगे, मतलब राजस्थान, वहां बहुत है टेक्नोलॉजिकली भी सेटअप हो सकता है और आप चाहते भी यूज करना, बट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप कैपेबल नहीं है, क्यों? टू मच डिस्टेंस, मतलब जो भी रहता है इसके चलते आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। समझ में आया पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या? ठीक है, मतलब कितना क्षमता है, कितना पावर है, मतलब बाइंड में, सोलर में, दिस इज अ पोटेंशियल रिसोर्सेज। अगर ये पोटेंशियल रिसोर्सेज समझ में आ गया तो सेकेंड इज अ डेवलप्ड रिसोर्सेज। सेकेंड इज डेवलप्ड। तो अगर मैं डेवलप्ड रिसोर्सेज की डेफिनेशन बोलूं तो आप क्या बोलेंगे? डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल टू अस इज नोन एज डेवलप्ड रिसोर्सेज। यही बोलेगा, कुछ और यही बोलेगा। एंड आप उसको यूज भी करना चाहेगा, आपका मन है, हाँ मेरा मन है, आप मन भी है और साथ साथ आप कैपेबल भी होंगे, साथ साथ आप कैपेबल भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, एग्जाम्पल पेट्रोल, पेट्रोल है पेट्रोल आप देखा होगा जैसे बॉम्बे हाई जहाँ से डिगिंग होता है, क्रूड ऑयल मिलता है, देन पेट्रोल आप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी है तभी तो पेट्रोल पा रहे हैं आप। ठीक है, इसके साथ साथ आपका मन भी है, आपका मन भी है उसको यूज करने का, मन के साथ साथ आप कैपेबल भी हैं। वहां से डिगिंग होती है, देन आप तक क्रूड ऑयल आता है, देन पेट्रोल में कन्वर्ट होता है, देन आप उसको यूज भी करना चाहते हैं। राजस्थान से सोलर पैनल को इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक ले पाएगा नहीं, ठीक है, बट पेट्रोल आ सकता है, पेट्रोल टैंकों में भर के आ जाता है, फिर जो आपने पेट्रोल पंप लगे वहाँ टैंकर वहाँ से खाली करता है, फिर हम अपना बाइक लेके जाता है, कार लेके जाता है, उसमें भराता है, चलता है, इंजॉय करता है। समझ में आया ये डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है? अगर आप डेवलप्ड एंड पोटेंशियल समझिएगा तो थर्ड वन इज स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्स, हाँ स्टॉक, कोई मेरे को डेफिनेशन बोल सकते हैं स्टॉक? व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक जैसे कमरे में आप बोलते हैं कि आपने बोला पापा ने स्टॉक रख दिया 50 बोरे गेहूं का या 10 बोरे गेहूं मैं एक साल खा सकता हूँ, ये स्टॉक है, होता है ना? या पापा ने इस बार जुलाई में मेरे को 20 कॉपी लेके रख दी स्टॉक में, बोलते हैं ना स्टॉक में रख लो, जब तुम्हें जरूरत होगी तब यूटिलाइज कर लेना और जब जरूरी नहीं होगी मत करना, यही करते ना, वही यहाँ भी स्टॉक है, वही वो रिसोर्सेज हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे जो स्टॉक में आ जाते हैं, मतलब आप उन्हें रख लेते हैं, ठीक है, स्टॉक में पड़े ही। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ कि वॉट इज अ स्टॉक रिसोर्सेज, तो इसमें क्लॉज का लगा है ना, तो आप इसकी डेफिनेशन क्या बोले? स्टॉक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर नॉट टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल टू अस, व्हिच आर नॉट टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल टू अस, मतलब आप टेक्नोलॉजिकली उसको आप पा नहीं सकते। पानी ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं? सपोज मैं एक एग्जांपल में लिखा हूं वाटर, सपोज लिखा हूं वाटर, उसी में मैं ये दोनों भी क्लियर कर दूंगा और ये वाला पॉइंट भी क्लियर कर दूंगा। सपोज वाटर, बेटा अगर वाटर किन दो चीजों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बना है ना बेटा, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये हाइड्रोजन जो गैस होती है H2 और O से मिलकर बना है, दिस इज इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल गैस होती है, बहुत टू मच एनर्जी होती है, बहुत ज्वलनशील होती है और टू मच इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है। ठीक है, अगर ये चाहे तो बहुत सारी इससे हाइड्रोजन को अलग कर दें, ऑक्सीजन को अलग कर दें, और हाइड्रोजन दिस सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत मतलब एनर्जी है उसके अंदर, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट जगह उसके बम बनाए, कुछ भी बनाए यूटिलाइज कर सकते हैं, बट आप चाहते तो हैं इसमें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसी कोई प्रोसेस ही नहीं, मतलब टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड ही नहीं हुई कि वाटर में H2 को अलग कर दें और ऑक्सीजन है, तो बट वो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, दिक्कत होगी, है नहीं पॉसिबल। ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं क्लॉज का। तो मैं बोल सकता हूँ स्टॉक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर नॉट
टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल टू अस या अवेलेबल टू अस। समझ में आया? मतलब टेक्नोलॉजिकली वो हमारे पास नहीं है। समझ में आया क्यों? अब वॉटर ने H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को करना तो चाहता है बट इम्पॉसिबल। अब ये यहाँ अब यूज अब चाहता भी है कि हाइड्रोजन से इनोमोरमस अमाउंट में एनर्जी मिलेगा उसको मैं डिफरेंट में उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा बम बनाऊंगा बट चाहता तो है इसलिए करो लेकिन आप कर नहीं सकता है। आर वी एवर टू डू बट यूटिलाइज नहीं कर सकते क्यों जब टेक्नोलॉजी नहीं तो कहां से यूटिलाइज कर लो। सोन में आ गया कोई दिक्कत नहीं अगर ये स्टॉक सोन में आ गया ठीक है और स्टॉक यही होता है जो स्टॉक में रख देते हैं मतलब इकट्ठा करके रख देते हैं ठीक है वॉटर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया। अगर लास्ट में बात करूं कि रिजर्व ना यही है रिजर्व रिजर्व क्या होता है मतलब जो फ्यूचर के लिए हाँ फ्यूचर मतलब इस सबसेट होता है रिजर्व आर सबसेट ऑफ स्टॉक मतलब एक ही चीज है स्टॉक और रिजर्व एक ही है सबसेट समझते हैं उसी का एक रूप उसी का एक छोटा सा पार्ट उसी का एक छोटा सा पार्ट। समझ में आया किसका इसी का पार्ट है स्टॉक। देखें ऐसे बेटा जैसे आपने देखा होगा आप बाइक चलाते होंगे बाइक में एक रिजर्व होता है बोलते हैं जब बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है रिजर्व करते हैं क्या मतलब फ्यूचर यूज के लिए डर जाता है कभी आप जा रहे हैं पेट्रोल खत्म हो गया तो रिजर्व में वो आप पेट्रोल पंप तक ले जाएगी होता है ना वही यहाँ पे वही यहाँ पे। तो मैं इसको डिफाइन करूँ रिजर्व रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्सेज व्हिच आर टेक्नोलॉजिकल अवेलेबल टू अस इज नोन एज रिजर्व रिसोर्सेज ठीक है ना। बट जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताऊंगा जैसे डैम डैम देखा डैम में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर भरा रहता है पानी भरा रहता है कि नहीं भरा रहता है भरा रहता है तो आप पानी से पानी वो पानी भरा उसके क्या यूज होता है कोई मेरे को बता सकता है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी भाई है हाइड्रोलिक मशीन ना हाइड्रोलिक हाँ टर्बाइंस के थ्रू आप उसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जब जरूरत होता है या कैनाल में उसको छोड़ता है जब किसानों को पानी की जरूरत होती है तब उस डैम से पानी को निकाला जाता है। तो उस पानी को आप यूटिलाइज करना चाहता है आप विलिंगनेस टू यूज क्या यूज करना चाहेगा अरे यूज क्यों करना चाहेगा रिजर्व में जो गाड़ी में पेट्रोल डाला है क्या यूज करना चाहेगा वो हम कब करना चाहेंगे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब। तो आप उसको यूज नहीं करना चाहता नहीं कि हम यूज करें बट आप कैपेबल हैं कि नहीं आर बी एबल टू यूटिलाइज रिजर्व फॉर कैपेबल है बट वो मैंने रिजर्व में रखा फॉर फ्यूचर यूज आप उसको यूज आपकी इच्छा भी नहीं है बस आपने किस लिए रखा फ्यूचर यूज के लिए ठीक है जस्ट समझ में आ गया। तो इसी तरह जिस तरह वो पेट्रोल का टैंक है पेट्रोल भरा रहता रिजर्व में आप उसको जब गाड़ी में फुल टैंक हो तो क्या आप उसको चला के चल रहा था नहीं चलाता कब चलाता है जब खत्म बस वही कॉन्सेप्ट बस आप उस पेट्रोल की जगह आप समझ लेने डैम में क्या भरा वाटर समझ में आया। तो टेक्नोलॉजिकल अवेलेबल टू अस है बट उसको हम चाहते नहीं यूज करना हाँ वो हम इसलिए रखे वी आर एबल टू यूटिलाइज कब एबल कर कब यूटिलाइज करेंगे जब खत्म हो जाएगा तब मैं यूज करूंगा फॉर एग्जाम्पल वाटर नेट समझ में आया। अब ये चार जो सब पार्ट में पढ़ा है इसको वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है पहला व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्स व्हाट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज व्हाट इज स्टॉक रिसोर्सेज व्हाट इज रिजर्व रिसोर्सेज पहला। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे बोल सकता है कि एग्जाम दे दें दूसरा थर्ड वन वो आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन कौन से टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल टू अस है विच वन टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल टू अस तो आपके बाई हेल्प ऑफ चार्ट बहुत आसानी है सब कुछ है बस स्टॉक नहीं ना। और इसके बाद वो आपको डिफरेंशिएट कर सकता है डिफरेंशिएट पोटेंशियल एंड डेवलप डिफरेंशिएट स्टॉक एंड रिजर्व इन्हीं दो के बीच में आएगा इन दो के बीच में है स्टॉक तो आप इन दो में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बस इसमें सब कुछ है बस यूटिलाइज नहीं कर सकते आप वाइंड एंड सोलर टू मच डिस्टेंस है डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है इसलिए उसमें हम सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी का यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं बट पॉसिबल है गवर्नमेंट चाहे तो सेटअप भी बना सकता है और हमारी इच्छा भी है कि हम सोलर और वाइंड एनर्जी के लिए बट पॉसिबल हम नहीं कर पा रहे उसको मेरे पास नहीं मिल रहा है ठीक है। और डेवलप्ड नामी पढ़ा सब कुछ
कैपेबल भी है, विलिंगनेस टू यूज भी है, टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल टू अस है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल ऑयल एंड सो मेनी थिंग, ठीक है। एंड स्टॉक एंड रिजर्व, दिस रिजर्व रिसोर्सेज आर सबसेट ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज, दीज आर सबसेट ऑफ स्टॉक, सबसेट मींस इसी का छोटा रूप, समझ में आया। ये दिस वन रिजर्व, दिस वन स्टॉक फॉर फ्यूचर यूज और दिस वन फॉर करेंट, समझ में आया। सबसे अच्छी यही है, क्यों दो क्रॉस है ना, यही सबसे रद्दी है, कोई दिक्कत है। वाटर, वाटर बड़ा टू मच महंगा हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को और टू मच डिफिकल्ट हो जाएगा, समझ में आया। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ दिस फोर्थ पार्ट ना, समझ में आया। और अभी मैं बुक पढ़ा रहा हूँ तो आपको सब कुछ और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की कहानी को यहीं, अब मैं बुक पढ़ाने स्टार्ट करता हूँ, देन आप एक एक चीज जो मैंने बोला बुक के थ्रू भी आप समझेंगे।